हे वाईटी बेंस की हालचाल, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों वाईटी भारत चैनल पर एक बार फिर से बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आ गया हूं, जिसमें आपको बताऊंगा शिमला, मनाली, डलहौजी, कश्मीर, ओली से स्नोफॉल की लेटेस्ट जानकारी, कब कब स्नोफॉल पड़ने वाली है, ताकि अगर आप लोगों का प्लान बन रहा है तो पहले से ही आपको पता लग जाए। और दोस्तों अगर आप इसी तरह की बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो वाईटी भारत चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब करें, नीचे रेड बटन आ रहा है, साथ में लगे बेल आइकन को दबाएं, ऑल को सेलेक्ट करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहे। वीडियो अगर अच्छे लगते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, मुझे बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मिलता है। और अगर कोई फैमिली या फ्रेंड में जा रहा हो इन डेस्टिनेशन पे तो इस वीडियो को शेयर कर दें, उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं स्नोफॉल का प्रेडिक्शन। दोस्तों आज है 11 जनवरी 2021 और मैं 19 जनवरी 2021 की प्रेडिक्शन कर रहा हूं, जिसके अंदर शिमला, कुफरी, डलहौजी और जम्मू कश्मीर में बात करूं तो सिर्फ श्रीनगर के अंदर स्नोफॉल नहीं पड़ने वाली है, ना के बराबर संभावना है 11 जनवरी से लेकर 19 जनवरी 2021 के बीच में। वहीं मनाली की बात करें तो अभी जो स्नोफॉल नेक्स्ट पड़ने की संभावना बन रही है वो 19 जनवरी 2021 को बन रही है। और उत्तराखंड अगर चलें तो उत्तराखंड में जो स्नो का लिए डेस्टिनेशन है सबसे फेमस ओली, 18 और 19 जनवरी को स्नोफॉल पड़ने की मैक्सिमम संभावना है। तो मनाली और ओली का प्लान बना लीजिए अगर स्नोफॉल लवर हैं। यहाँ पर आपको मैक्सिमम संभावना है कि 18-19 जनवरी को स्नोफॉल मिल जाए। अब चलते हैं, आपको बताते हैं श्रीनगर में फ्लाइट्स की क्या हालत है। तो श्रीनगर में अब फ्लाइट्स जो है वो ओपन हो चुकी हैं, आराम से आप लैंड कर सकते हैं। अटल टनल क्या खुली हुई है, हमटा पास की क्या कंडीशन है, तो बता देता हूँ अटल टनल अभी जो है वो टूरिस्ट के लिए नहीं ओपन है, हिमाचल के जो लोकल लोग हैं उनके लिए ओपन की गई है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो गई है और गाड़ी स्किड करने की संभावना होती है, तो लोकल लोगों के लिए अभी ये खुला हुआ है। हमटा पास की बात करें तो बहुत अच्छी स्नोफॉल अभी गिरी हुई है, आप वहाँ पर अगर जाएंगे तो आप 4x4 की गाड़ी लेकर के जा सकते हैं। सोलांग वैली में बात करें तो अभी रोप वे बंद पड़ा हुआ है, एडवेंचर एक्टिविटी चालू हैं, आप कर सकते हैं जॉर्बिंग, पैराग्लाइडिंग, एटीवी राइड, स्नो स्कूटर, स्कीइंग, बहुत सारी आपकी एडवेंचर एक्टिविटी हैं, टायर राइड कर सकते हैं, बहुत ही कम से लेकर के अच्छे दामों में आपको उपलब्ध हो जाएंगी, जाइए करिए, इंजॉय करिए। इसके बाद सवाल है आपका, क्या दिल्ली से वॉल्वो चल रही है, तो दोस्तों वॉल्वो चलने की संभावना बन रही है, हालांकि अभी वॉल्वो नहीं चल रही हैं। वॉल्वो जैसी डिलक्स बसेस चल रही हैं जिसमें सारी आपको फैसिलिटी मिलती हैं, वॉल्वो जैसी कुछ दिनों में संभावना बन रही है, डिस्कशन चल रहा है गवर्नमेंट का, हो सकता है जल्दी ही वॉल्वो शुरू हो जाए। रोडवेज बसेस ऑलरेडी चल रही हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरा ये वीडियो देखना चाहते हैं स्नोफॉल प्रेडिक्शन का, तो मैं वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप खुद पता लगा सकते हैं कि किस किस दिन स्नोफॉल पड़ने वाली है, आपको पहले से ही पता लग जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन सी जो है चीज़ें वो लेकर के जानी चाहिए स्नोफॉल जहाँ पर पड़ रही है। तो दोस्तों आप देख ही रहे होंगे मेरे इस वीडियो में पीछे स्क्रीन पर चल रहा है, मैंने ब्लैक गॉगल्स आपके पहन रखे हैं, क्योंकि जब स्नोफॉल पड़ती है और धूप होती है तो वो आपकी आंखों में बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्शन डालती है, तो हमेशा आपको ब्लैक गॉगल्स पहन के जाने चाहिए। और जो स्नोफॉल के लिए कपड़े होते हैं, अगर आप एक्टिविटी करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट होता है कि आप स्नोफॉल के लिए स्पेशल कपड़े ले लीजिए, 200-250 रुपए के अंदर आपके आ जाएंगे, हैंड ग्लव्स का अलग से चार्ज होगा, 200-250 में आपको जूते के साथ स्नो की ड्रेस मिल जाएंगी, पीछे आप स्क्रीन में देख भी रहे होंगे कई सारे लोगों ने पहन रखे हैं, उनको पहन के आप अच्छी खासी एडवेंचर एक्टिविटी कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी तरह की और बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव देखने के लिए वीडियो वाईटी भारत चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए वाईटी भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो, और वो भी बिल्कुल फ्री में।